वाहन पर अयोध्या में जो धर्मसभा हो रही है उस धर्मसभा को सफल बनाने के लिए जन जागरण रैली है। बैरिया विधानसभा क्षेत्र से लगभग 5000 लोग हमारे साथ, हमारे संघ के कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता 5000 लोग सुनेमनपुर 6 बजे से उत्सर्ग एक्सप्रेस से हम लोग अयोध्या कूच करने वाले हैं। मेरे जीवन का ये सौभाग्य होगा कि राम के मंदिर के निर्माण में हमारे बैरिया विधानसभा क्षेत्र के भी समस्त हमारे पूज्य लोग, हिंदू भाई लोग चल करके अपने संकल्प को दोहराएंगे और आवश्यकता पड़ेगी तो संविधान भी हाथ में लिया जाएगा। जैसे 1992 में बाबरी मस्जिद ढहाने के लिए संविधान हाथ में लिया गया तो आवश्यकता पड़ेगी तो मंदिर निर्माण करने के लिए भी संविधान को हाथ में लिया जाएगा। और संविधान देर भी करेगा तो इंसान मंदिर बनाएगा, भगवान राम का मंदिर इंसान बनाएगा, इंसान के लिए मंदिर होता है। इसका मतलब कि जो टेंट निश्चित बनेगा महाराज, बिल्कुल मोदी काल में राम मंदिर बनेगा। यदि सरकार भी आड़े आएगी, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, तो संघ का यदि आह्वान होगा तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी के विधायक होते हुए संघ के आह्वान पर जो भी आह्वान होगा उसका पालन हम लोग करेंगे और मंदिर निर्माण करेंगे। लेकिन कांग्रेस आएगी? ऐसा है, भगवान राम के लिए कानून व्यवस्था चरमराए चाहे कुछ भी हो, लेकिन भगवान उसका जो है समाधान करते हैं। तो उनके नाम पर हम जा रहे हैं, किस किस जमीन के लिए जा रहे हैं आप लोग, जो कोर्ट निर्धारण किया उसके या अपने हिंदू की आस्था के लिए? हिंदू भावना की को प्रबल बनाने के लिए और हिंदू समाज ये संदेश देने जा रहा है कि माननीय जज महोदय भारत में के कोर्ट में इससे गंभीर मुद्दा कोई भी नहीं है। जीवन व्यतीत करने वाले पूज्य आदरणीय मोदी जी और साधक जीवन व्यतीत करने वाले, भगवान राम की आराधना करने वाले हमारे CM पूज्य जोगी जी और इनके कार्यकाल में यदि मंदिर का निर्माण नहीं हुआ तो मैं मानता हूँ कि कभी भी निर्माण नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। तो इतना पवित्र आत्मा और संत स्वभाव का चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश में कब होगा ये कोई गारंटी नहीं है। तो इटली में बसती हो, उसकी राष्ट्रभक्ति इटली में बसती है, उसके माँ की जो है राष्ट्रभक्ति इटली में बसती है, वो भारत और भारतीयता के बारे में क्या सोच सकता है? वो तो शुद्ध रूप से वर्णशंकर है, वो जो है वो भगवान राम को क्या जानता है? वो जो है राहुल गांधी शुद्ध रूप से वर्णशंकर है, इटली और भारत का भारत दोनों का मिक्सचर है वो, तो वो जो है शंकर और राम को क्या जाने? तो शंकर और राम को तो भारत भूमि में जब पैदा हुआ हिंदू ना जानेगा, वो हिंदू है नहीं, उसको तो लिखना चाहिए राहुल खान, क्योंकि जो है उसकी दादी जो है कौन, फिरोज खान की, फिर फिरोज खान से शादी की थी, तो वही परंपरा जो चलेंगी, पुरुष प्रधान भारत देश है तो राहुल गांधी को पहले अपना नाम बदल करके राहुल खान करना चाहिए। लेकिन हिंदू बनने के लिए केवल राहुल राहुल चिल्लाता है तो भारत समझता है वो राहुल खान है, वो जो है राहुल खान है, सोनिया भी खान है, सोनिया खान लिखना चाहिए, वो गांधी जोड़ देते हैं सबको गांधी के त्याग और तपस्या को भुलाने के लिए। तो ऐसा नहीं होगा, भगवान राम को राहुल क्या जाने, भगवान राम को तो जोगी जी जानेंगे, मोदी जी जानेंगे, सुरेंद्र सिंह जानेंगे।